अवेलेबल है, उसको आप रीच आउट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर. राहुल साहब, सिंस यू आर सो मच इंटीग्रेटेड अलाइंड विद द स्टूडेंट्स, उनकी पल्स को बहुत करीब से आप समझते हैं, जानते हैं. सो ये मतलब एक जब हमने जो पढ़ना शुरू किया और अब हम पढ़ाना शुरू किया, सो इस पढ़ने पढ़ाने में हालांकि कोई बहुत 10-12 साल का फर्क है, लेकिन हम देखते हैं जो जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. मतलब इंसान को फॉर एग्जाम्पल अभी हर स्टूडेंट को एक सर्टन अमाउंट ऑफ डोपामिन शॉट्स चाहिए होते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम एनी मैसेजेस. तो डिस्ट्रक्शंस बहुत बढ़ गई हैं. सो अब जैसे अब एक महीना रहता है और जो मोबाइल का इस्तेमाल है, तो उसको किस तरह से हम ये जो एक एक डिवाइस है कि इसका भी कोई इम्पैक्ट है मेरे पास और फेल होने पर, या इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए कि मेरे पेपर की चांसेस बढ़ जाए. तो ओवर टू यू. बेसिकली पास होने में तो नहीं, खैर फेल होने में बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ का, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. डेफिनेटली आजकल हमने किसी ना किसी दर्जे में इस चीज़ को समझ लिया है कि ये एक नेसेसरी इवल है और इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, या इसके बगैर स्टडी नहीं हो सकती. हमने कहीं ना कहीं पे अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ ऐड कर लिया है कि भाई मोबाइल के बगैर ज़िंदगी गुजर नहीं सकती. लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम थोड़ा सा ट्राई करें एक दिन के लिए मोबाइल को घर में भूल जाएं और कॉलेज में चले जाए क्लास पढ़ने के लिए, तो आपको शायद फील होगा कि ये दिन 24 घंटे का नहीं 48 घंटे का. दिन में बरकत आ जाएगी, ठीक हो गया जी. आप देखेंगे कि आप सवाल करेंगे ख़त्म ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं ख़त्म होगा. आप 4 सवाल कर लेंगे लेकिन फिर भी टाइम बचा हुआ है, असर की अजान ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक हो गया. तो ये जो है चीज़ें हम समझते हैं कि ये इसके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन एक पूरी दुनिया, एक डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है अगर आपके पास मोबाइल नहीं है या कम अज़ कम टेक्नोलॉजी वाला या स्मार्ट मोबाइल नहीं है आपके पास. अगर वो क्या कहते हैं बटन वाला मोबाइल है जिसमें कोई व्हाट्सएप नहीं चलता, कोई फेसबुक नहीं चलती, कोई ट्विटर नहीं चलता, आप उस सिनेरियो में अगर आप रहें तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा चांसेस होने के आपके पास करने के. अब अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी हमें कराची के कॉलेज के मॉक चाहिए, या इस्लामाबाद के कॉलेज के मॉक चाहिए, लाहौर के कॉलेज के मॉक चाहिए. कराची वाला बच्चा लाहौर वाले कॉलेज से मॉक डिमांड कर रहा है, इस्लामाबाद वाला कराची वालों से. इस तरह से बच्चे आपस में बहुत सारे कम्युनिकेट इंटीग्रेट हो गए हैं, अटैच हो गए हैं. ठीक है, बात बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह. लेकिन पॉइंट ये है कि आपने अपना एक प्लान बनाया हुआ है, आपको पता है कि मैंने जो है सितंबर में ये पेपर अपने जो है क्वालिफाई करने हैं. अगर आपने अपना प्लान बनाया हुआ है, आप अपने साथ सिंसियर हैं, आपको पता है कि मेरा इतना टाइम जो है दिन में जो कंज्यूम हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक में इतने सवाल करने हैं, इस टॉपिक में ऐसी तैयारी करनी है, और मैंने इस इतने टेस्ट दे दिए हैं, बस वो काफ़ी हैं. 10 टेस्ट मेरे कॉलेज ने मुझसे लिए हैं, वो 10 मुझे यकीन करना चाहिए कि वो काफ़ी हैं, उस पूरे टॉपिक को, उस पूरी बुक को तैयार करने के लिए वो काफ़ी हैं. अब आप चाहे 100 टेस्ट इकट्ठे कर लें, चाहे 500 टेस्ट इकट्ठे कर लें, वो आपकी ओवरऑल रिवीजन में या ओवरऑल पेपर पास करने की परसेंटेज में कोई इजाफा नहीं कर रहे. वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, मजीद डिप्रेशन में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं. वो मजीद डिप्रेस कर रहे हैं, वो मजीद आपको बता रहे हैं कि यार इन्वेंट्री में मुझे ये पॉइंट भी नहीं आता, अच्छा प्रोवीजन और इन्वेंट्री को मिक्स करके अगर ये वाला सवाल इस तरह से आ जाए तो ये भी नहीं मुझे आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और कुछ भी नहीं आता. अल्टीमेटली क्या करो, सब कुछ बंद करो, लेट जाओ, मोबाइल ऑन करो और फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दो. तो ये अल्टीमेट सोल्यूशन है जो बच्चे निकाल लेते हैं जब उनको फील होता है कि यार हमें कुछ नहीं आता. डिप्रेशन से अवॉइड करो और अपनी ज़िंदगी आसान करो, फेसबुक पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ. तो जो पास करने वाला बच्चा है वो डेफिनेटली आईकैप के रिजल्ट हमें बता रहे हैं कि वो बहुत माइनॉरिटी में है. फेल होने वाला बच्चा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा है, पास करने वाला बच्चा बहुत कम है. तो जो पास करने वाला बच्चा है, कभी आप लोग चाहें तो उनसे जाके मिलें, उनसे पूछें कि यार आपने कैसे पास किया, आप किस तरह से मोबाइल को यूज़ करते थे, आप किस तरीके से सोशल मीडिया से आप फ़ायदा उठाते थे. तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने आप को अपने ऊपर एक चेक लगा के रखा हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है कि यार मेरा फेसबुक टाइम मैक्सिमम दिन में 30 मिनट के लिए होना चाहिए, मैं अननेसेसरी पेजेस से मैंने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, मैं सिर्फ अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आईकैप की न्यूज़ या कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सिर्फ मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ और मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ. ठीक है जी, आप सरप्राइजिंगली आप देखेंगे ऐसे बच्चों की पासिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है जो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं. 99% रूमर्स जो फैलती हैं और वो उसके ऊपर बच्चे डिसीजन ले रहे होते हैं और उस पर अपना टाइम वेस्ट करके हफ्ते बाद या 15 दिन बाद सोचते हैं, अफसोस करते हैं कि यार मैंने किस चीज़ की बेस पे क्या कर लिया, अपना टाइम ज़ाया कर लिया. वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं अगर आप इससे थोड़ा सा एक कम अज़ कम ये एक महीने के लिए दूर हो जाएँ. इस एक महीने के लिए आपके पास पूरा प्लान है, माशाल्लाह आपके क्या कहते हैं मोबाइल भरे पड़े हैं उस डाटा के साथ जो शायद आपने कभी यूज़ नहीं करना. अल्टीमेटली पेपर के बाद जाके आपने उसको डिलीट करना है. ठीक हो गया, आपके लिए काफ़ी है आई कैप की स्टडी का
आपके लिए काफी है आपके जो पास पेपर्स हैं, आपके लिए काफी है एग्जामिनर कमेंट्स, आपके लिए काफी है आईकैप की मार्किंग स्कीम, सिर्फ ये चीजें आपके बैग में हो या आपके मोबाइल में हो, इससे पेपर आराम से पास हो सकता है इस एक महीने में। इस चीजों के अलावा बाकी जो कुछ भी मटेरियल है वो सिवाय आपको डिप्रेशन में ट्रांसफर करने के और कोई भी चीज नहीं है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। पास होने वाले बच्चों से मैं आपको जरूर कहूंगा एक दफा कि जो जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करते जा रहे हैं, एक दफा आप उनसे 15 मिनट की डिस्कशन जरूर कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि उनकी क्या रूटीन थी, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी कि उनका पेपर पहली अटेम्प्ट में पास हो गया था। ठीक है जी, होपफुली आपको शायद समझ आ गई होगी कि इसमें एक महीने में आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर समराइजिंग योर थॉट्स ऑन